आदिवासी लोगों को एसटी कहा जाता है और आदिवासी लोग हिंदू जाति व्यवस्था का हिस्सा नहीं है, इसलिए एससी एसटी कहना एक तरीके से उससे लोग भ्रमित होते हैं कि उन लोगों को लगता है कि ये भी कोई जाति है, जबकि वो आदिवासी लोग तो हिंदू धर्म ही नहीं मानते, वो कहते हैं भाई हम तो हमारे अपने देवी देवता हैं। हाँ, कोई किसी को पेड़ पौधों की प्राकृतिक चीज़ को पूछता है, कोई किसी चीज़ को पूछता है। ठीक है ठीक है, तो ये जो है अपने संविधान में एक पांचवी अनुसूची है, संविधान में पांचवी अनुसूची, एक पांचवी एक छठी अनुसूची है जो दोनों आदिवासियों से संबंधित है। पांचवी अनुसूची जो है देश के जितने, ये जो देश का मुख्य भाग है इसके, इसमें जो आदिवासी इलाके हैं उससे संबंधित है, और जो छठी अनुसूची है वो पूर्वोत्तर भारत के जो राज्य हैं वहाँ के आदिवासियों से संबंधित है, क्योंकि जो वहाँ के आदिवासी हैं वो यहाँ के आदिवासियों से थोड़ा अलग है। जैसे आप देखेंगे नागा लोगों को, मीज़ो लोगों को, बोडो लोगों को, तो वो उस तरह से नहीं दिखते हैं जैसे ये जंगल के, जंगल वाले जो भील और कोल और इस तरह के जो आदिवासी, तो इसलिए दोनों के लिए अलग अलग अनुसूचियाँ हैं। ये अनुसूचियाँ इसलिए डाली गई थी कि आदिवासी इलाके में, यह अनुसूचियाँ इसलिए डाली गई संविधान में कि आदिवासी लोग वो सिर्फ प्राकृतिक संसाधनों पर ही जिंदा रहे, भाई वहाँ ना तो कोई नौकरी है ना फैक्ट्री है, हाँ तो उनके जिंदा रहने के लिए उनकी जंगल और उनका ज़मीन ये महत्वपूर्ण है। तो ये कहा गया कि आदिवासियों की ज़मीन उनसे कोई ले ना पाए, और कोई जो ये सूद, ये जो महाजन वगैरह होते हैं ये जो सूद पे पैसा देते हैं, तो ये कोई उनका दोहन ना कर सकें, उनका शोषण ना कर सकें, उनसे बचाने के लिए ये इस तरह की अनुसूचियाँ डाली गई। इन अनुसूचियों में ये है कि कोई, जैसे आपका एक इस देश में जो हमको मौलिक अधिकार मिले हैं बोलने की स्वतंत्रता, उसमें एक ये भी अधिकार है कि आप कि पूरे देश में कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी बस सकते हैं, लेकिन आदिवासी इलाके में नहीं, आदिवासी इलाके में आप नहीं बस सकते, और आदिवासी इलाके में आप कोई संपत्ति नहीं खरीद सकते। लेकिन अब दिक्कत ये है कि जितने खनिज हैं, खनिज मतलब जो ज़मीन के नीचे से निकलता है, जिसमें कोयला से लेकर सोना तक सब कुछ शामिल, ज़्यादातर खनिज सब आदिवासी इलाके में। तो अगर किसी कंपनी को आपको कोयला दिलवाना है, किसी कंपनी को आपको लोहा दिलवाना है ताकि वो स्टील बना सके, तो आदिवासी इलाके में ही जाना पड़ेगा, लेकिन वो संविधान के खिलाफ, आदिवासी इलाके में आप कोई संपत्ति नहीं खरीद सकता। तो इस पे सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है, समता जजमेंट के नाम से, कि आदिवासी इलाके में कोई भी निजी कंपनी जाके खनन नहीं कर सकती, और सरकार किसी निजी कंपनी को इजाज़त भी नहीं दे सकती। तो जब तक कि आदिवासी लोग ना तय करें, मतलब ये वहाँ के लोगों का अधिकार है कि वहाँ पे कोई कंपनी अगर आ रही है, अगर उसको कुछ काम करना है तो उनकी सहमति से होना चाहिए। और हमारे एक बीडी शर्मा साहब थे जो आईएएस अधिकारी थे, आदिवासियों के लिए काम करते थे, वो कहते थे कि भाई अगर आपको आदिवासी इलाके में कुछ काम करना है तो आप उनको अपनी कंपनी में पार्टनर बनाइए आदिवासी लोगों को। हाँ भाई, पूंजी उनकी है, ज़मीन और जो कुछ दिखाने जाए, और आप जो मुनाफा कमा रहे हैं आप उनके साथ बांटिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप जैसे, मैं एक बार गया था छत्तीसगढ़ में, एक वहाँ बैला डीला में एक लोहे की खदान है, तो वहाँ जाएंगे आप देखेंगे तो कोई आदिवासी उसमें काम नहीं कर रहा है, सब यूपी बिहार मध्य प्रदेश के लोग जाके वही, उन्हीं को नौकरी मिली है, वही ठेका लेते हैं, वही सब दुकान चलाते हैं, और आदिवासी अगल बगल के जो हैं वो वैसे ही गरीब रहे हैं। तो ये पूरी एक बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई देश में चल रही है कि आदिवासियों को इस विकास का फ़ायदा तो नहीं मिल रहा है जो हम लोग इसको विकास कहते हैं, लेकिन उसको उनकी कीमत से चुकानी पड़ती है, क्योंकि जब बाहर से कोई जाता है तो आदिवासियों का शोषण होता है, उनकी पूरी जीवन पद्धति अलग तरह की है। तो आदिवासी इलाकों में ये आम है कि जैसे पुलिस है, सरकारी वन विभाग के लोग हैं, राजस्व विभाग के लोग हैं, जब ये जाते हैं तो वहाँ तो कोई रेस्टोरेंट जाए की दुकान वगैरह है नहीं, जाके ज़बरदस्ती आदिवासियों से ही खाना बना वो बनवाएंगे, हाँ
की बकरी ले लेंगे, हाँ, और औरतों के साथ बहुत यौन शोषण वगैरह की भी घटनाएं होती हैं। तो ये पूरा जो आदिवासियों के साथ अन्याय इस देश में हुआ है, इसके खिलाफ आदिवासी लोग खड़े हुए हैं, उसमें नक्सलवादी लोग भी हैं जो हिंसक तरीके से इस शोषण को रोकने की कोशिश करते हैं, और उसमें फादर स्टैन स्वामी जैसे लोग भी हैं जो ये कहते थे कि भाई संविधान में जो अधिकार लिखा है वो आप दें, जो आपने कानून बनाए हैं देश में आदिवासियों के लिए वो आप उनका अधिकार दें। जैसे मनमोहन सिंह ने एक वन अधिकार कानून बनाया, और जब मनमोहन सिंह ने ये कानून बनाया तो उन्होंने कहा कि आदिवासियों के साथ जो ऐतिहासिक अन्याय हुआ है उसको ठीक करने के लिए मैं ये कानून बना रहा हूँ। ऐतिहासिक अन्याय क्या हुआ कि अंग्रेज़ों ने कहा कि सारा जंगल सरकार का, अब सारा जंगल अगर सरकार का हो गया तो अगर उसमें कोई आदिवासी रह रहा है, अगर वो एक पेड़ से लकड़ी भी तोड़ता है जलाने के लिए, तो वो चोरी मानी जाएगी क्योंकि वो तो सरकार का है। तो इसको मनमोहन सिंह ने कहा कि जंगल के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनको जंगल के अंदर ही ज़मीन दी जाएगी खेती करने के लिए, और एक एक बालिग पुरुष को 4-4 हेक्टेयर तक की ज़मीन दी जाएगी अगर वो 2005 में अगर उस जमीन पे खेती कर रहा था तो वो ज़मीन उसको दे दी। एक ये कानून आया, एक कानून आया है पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम, जो ये कहता है कि आदिवासी लोग अपने इलाके में अपने हिसाब से निर्णय ले सकते हैं, और ऐसा बहुत सारे इलाकों में हो रहा है। ये जिस इलाके में महेश राउत काम कर रहा था, जो अभी जेल में है इसी घटना में भीमा कोरेगांव वाली में, वहाँ 300 ग्राम सभाओं ने मिल के एक अपना वो बना लिया है संगठन जैसा, और वो कहते हैं कि हमारे गांव में कोई सरकारी अधिकारी नहीं आएगा, कोई पुलिस वाला नहीं आएगा, हम सारी व्यवस्था खुद चलाएंगे, ठीक। और उन्होंने वहाँ ठेकेदारों का आना बंद कर दिया, और हर एक परिवार एक दिन में एक बांस काट सकता है, ऐसे नियम बनाए ताकि जंगल भी न ख़त्म हो, उनकी ज़रूरत भी पूरी होती रहे, और वो जो कुछ भी उनको पैसे वगैरह की ज़रूरत है वो वन संसाधनों से उनको बेच के कमा सकें, लेकिन ठेकेदारों की तरह जंगल के जंगल साफ भी ना हो। तो ये लड़ाई देश में लड़ी जा रही है, और उसमें फादर स्टैन स्वामी की एक प्रमुख भूमिका थी, क्योंकि झारखंड आपको जैसा मालूम है आदिवासी इलाका है, रहने वाले तमिलनाडु के थे, तो वो पत्थलगढ़ी आंदोलन का समर्थन करते थे। पत्थलगढ़ी आंदोलन ये था कि गांव के बाहर पत्थर लगा दिए गए थे जिस पे लिख दिया गया था कि यहाँ 5वीं अनुसूची के अनुसार ना तो कोई बाहर से आ सकता है, ना कोई संपत्ति खरीद सकता है, और भारत सरकार का या हमारी राज्य सरकार का भी कोई कानून यहाँ लागू नहीं, हम अपनी व्यवस्था खुद चलाएंगे। ये कानूनन ये बात सही है, मतलब संविधान में आदिवासी ऐसा कर सकता, लेकिन अब इसको वहाँ की जो सरकार थी उसने कहना शुरू कर दिया कि ये तो नक्सलवादी है, क्योंकि वो एक स्वशासन की बात कर रहे थे, और 4000 आदिवासियों को झारखंड में जेलों में डाल दिया गया, ये बता गया कि वो नक्सलवादी, और फादर स्टैन स्वामी को भी बताया गया कि नक्सलवादियों के समर्थक। तो वो सिर्फ आदिवासियों के अधिकारों की बात कर रहे थे, उनके आदिवासी क्षेत्र में स्वशासन के अधिकार की बात कर रहे थे, और उनको भी जेल में डाल दिया गया। 84 साल की उम्र थी, उनका हाथ हिलता था, वो बीमारी होती है ना जब आदमी बूढ़ा हो जाता है, राशा, तो क्या कहते हैं, राशा, पार्किंसन, अंग्रेजी में पार्किंसन, और वैसे राशा कहते हैं, राशा, राशा हिलता रहता है वो। जी जी, तो उन्होंने कहा भाई हमको आप एक पीने के लिए वो दे दीजिए, सिपर, सिपर, हाँ, जो आप लोग ने देखा होगा, तो वो भी कोर्ट ने उनको नहीं दिया। फिर वो उनको कोविड हो गया, 10 दिन तक उनका कोई इलाज ही नहीं हुआ, फिर अस्पताल में भर्ती कराया गया। उन्होंने कहा कि भाई उनको ये समझ में आ गया था कि मैं मरने वाला हूँ, उन्होंने कहा भाई मुझे आखिरी दिन कम से कम हमारे लोगों के बीच में गुजारने था, अपने कोर्ट ने वो भी अनुमति नहीं दी, और वो अभी पिछले हफ्ते मर गए। तो हम लोगों का कहना है कि उनकी मौत के लिए ये पूरी सरकार जिम्मेदार है, जिसने उन्हें झूठे केस में फंसाया और उनको जेल भेजा, और हमारी न्यायालय भी दोषी है कि जिसको उनको छोड़ देना चाहिए था उसने उनको छोड़ा नहीं और ज़बरदस्ती वहाँ उनको बंद करके रखा, ठीक है। तो आज हम लोग उनके समर्थन में ये उपवास कर रहे हैं, और हम लोगों का कहना है कि ये सिर्फ फादर स्टैन स्वामी का मामला नहीं है,
इस देश में पुलिस फर्जी मुकदमे करके तमाम निर्दोष लोगों को जेल में डाल रही है। भाई देखिए, यहाँ जो सी ए एन आर सी का आंदोलन हुआ उसमें कितने लोग अपने जेल चले गए, शोएब साहब हैं या अपने और दूसरे लोग, दारापुरी जी वगैरह, ये कोई वहाँ शामिल थोड़ी ना थे घटना जहाँ हिंसा हुई, लेकिन उन्हें भी जेल में डाल दिया गया। वो तो खैर एक ही महीना जेल में रहे, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो सालों साल जेल में रह जाते हैं और उसके बाद कोर्ट उनको छोड़ भी देता है, बरी भी कर देता है, लेकिन तब तक उनकी पूरी पूरी ज़िंदगी खराब हो जाती है, उनकी पूरी उनका परिवार बिखर जाता है उनका। और किसी को आप आतंकवादी बता दें तो उसको कोई घर किराए पर नहीं देगा, कोई बच्चों का एडमिशन स्कूल में नहीं होगा, बड़ी मुश्किल हो जाती है, तो लोगों का जीवन तबाह हो जाता है। इसलिए ये जो इस देश में एक तरीका है पुलिस का कि पैसे का तो भ्रष्टाचार वो करती है जो बाकी डिपार्टमेंट्स में होता है, लेकिन आप किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं, फर्जी मुकदमा करते हैं, उसको सालों साल जेल में सड़ाते हैं, जितने पुलिस वाले उतना जो हाँ, तो ये धरना इसलिए भी हो रहा है कि ये जो पूरा पुलिस का तरीका है ये ख़त्म होना चाहिए। भाई आपको अगर कोई अपराधी है, दोषी है, उसको आप पकड़िए, लेकिन आप निर्दोष लोगों को क्यों पकड़ते हैं और उनको सालों साल जेल में क्यों रखते हो? मुकदमे में तारीखें इतनी लंबी लंबी पड़ती हैं कि कोई फैसला ही नहीं होता, तो 10 साल 15 साल 20 साल हो जाते हैं लोग, उसके बाद छूटते हैं, पता लगता है कि उनके खिलाफ कोई आरोप ही नहीं सिद्ध हुआ, कोई सबूत ही नहीं था। तो फादर के साथ भी ऐसा ही था, कोई सबूत नहीं था, लेकिन फिर भी 9 महीना उनको ज़बरदस्ती जेल में। तो ये आज का मुद्दा था, इसको आप लोग और इसके बारे में जानिएगा, पढ़िएगा, और इसको लेके हम लोग की पार्टी लड़ाई लड़ेगी कि ये भारत की जो कानून व्यवस्था है जिसको आपराधिक न्याय व्यवस्था कहते हैं, इसमें सुधार होना चाहिए ताकि निर्दोष लोग परेशान ना हों। प्रवीण भाई कोई फिल्म वगैरह दिखा सकें फादर के ऊपर? तो कभी आज मैंने गाना है, वीडियो है। अच्छा अच्छा अच्छा। अब दूसरी बात जो मैं करना चाहता था, चूँकि कुछ औरतें जाना चाह रही हैं कि अपनी पार्टी जो है सोशलिस्ट पार्टी, इसकी एक महिला इकाई भी है, जैसे इसकी एक युवा इकाई है, एक सोशलिस्ट यूजन सभा है, तो उसी तरह से एक सोशलिस्ट महिला सभा भी, ठीक है? अभी हम लोगों ने चूँकि बहुत कोई ज़्यादा महिलाएं थी नहीं, तो अभी जो गुड्डी है हरदुइया वाली, उनको अपना अध्यक्ष बनाया हुआ था, उनका नाम पैड पे है, लेकिन अब मैं चाह रहा हूँ कि अब चूँकि ज़्यादा महिलाएं जुड़ गई हैं, इसलिए एक महिला सभा का गठन हो जाए और अगले 18 तारीख को राष्ट्रीय महिला सभा की बैठक है, मतलब जो राष्ट्रीय स्तर पे पार्टी की सोशलिस्ट महिला सभा है उसकी बैठक 11 बजे से 1 बजे, कहीं जाना नहीं है, आपको अपने फ़ोन कंप्यूटर के सामने बैठना है, ऑनलाइन मीटिंग होगी। तो जो लोग जैसे आप तो जुड़ जाती हैं और आप भी जुड़ जाती हैं, जो लोग नहीं जुड़ पाती हैं जैसे रानी हैं, रिजवाना बहन हैं, रुखसार हैं, तो आप लोग एक जगह बताइए जहां हम लोग 18 तारीख को एक कंप्यूटर लेके बैठ जाएं और आप लोग उसी कंप्यूटर पे मीटिंग देखिएगा, सुनिएगा और आपकी जो अपनी जो बात कहनी है। तो बस हमें ये बता दीजिए कि कहां हम लोग इकट्ठा होंगे 18 तारीख। ऑफिस में ठीक रहेगा? हाँ हाँ, आप तो घर से जुड़ सकती हैं, ठीक है, जैसा आप चाहेंगे।